तो बीसीसीआई ने ईसीबी को अगले साल एक टेस्ट मैच या दो टी20 मैच खेलने का दिया ऑफर। जाने क्या है पूरा मामला। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मैच रद्द होने के बाद लगातार चर्चाओं का दौरा जारी है। इंग्लैंड के तमाम दिग्गजों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई इस मामले को लेकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बातचीत कर रहा है। बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि उसने जुलाई 2022 में भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे के दौरान इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ईसीबी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दो अतिरिक्त टी20 मैच खेलने की पेशकश की है। पिछले दिनों कोविड-19 के खतरे के कारण मैनचेस्टर टेस्ट रद्द कर दिया गया था। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बातचीत करते हुए बताया, ये सही है कि जब हम अगले जुलाई में इंग्लैंड का दौरा करेंगे तब दो अतिरिक्त टी20 खेलने की पेशकश की है। तीन टी20 मैचों की बजाय हम पांच टी20 मैच खेलेंगे। वैकल्पिक रूप से हम एक खेलने के इच्छुक होंगे, ऑफ टेस्ट भी। ये उन पर निर्भर करता है कि वो इनमें से किसी एक प्रस्ताव को चुने। हालांकि फिलहाल ईसीबी के पाले में है गेंद, जहां बीसीसीआई ने एक टेस्ट मैच या फिर दो टी20 मैच चुनने का अधिकार इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर छोड़ दिया है, जो अगले साल इंग्लैंड दौरे पर खेला जाने वाला है। यदि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यह टेस्ट खेलने का विकल्प चुनता है तो यह एक श्रृंखला का पांचवा मैच होगा, ठीक उसी तरह जो रद्द हो गया था, न कि एक स्टैंड अलोन गेम। अभी तक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटरों ने बोला, भारत ने टेस्ट क्रिकेट का सम्मान नहीं किया है आईपीएल के चक्कर में। जी हां, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटरों ने भारतीय कैंप में कोरोना मामले सामने आने के कारण मैनचेस्टर में होने वाले पांचवें टेस्ट मैच रद्द होने को लेकर भारतीय क्रिकेटर बीसीसीआई और आईपीएल को निशाना पर लिया है। न्यूमैन ने कहा कि भारत ने इस सीरीज का सम्मान नहीं किया और उन्होंने चौथे टेस्ट से पहले कोविड की दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके टेस्ट क्रिकेट का सम्मान नहीं किया। उन्होंने एक कॉलम में कहा, अगर भारत के अधिकांश खिलाड़ी अमीर यानी कि आईपीएल टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए दुबई ना जा रहे होते तो पहले दिन खेल को सुबह रद्द नहीं किया जाता। न्यूमैन ने कहा कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी जिसका आईपीएल अनुबंध है वो टेस्ट खेलने का जोखिम नहीं लेता, जिससे अगर वो पॉजिटिव पाया जाता तो उसे इंग्लैंड में 10 दिन और रुकना पड़ता, वो 19 सितंबर शुरू हो रहे आईपीएल को मिस कर देता। उन्होंने लंदन में चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। तो फिलहाल यही सबसे बड़ी अपडेट्स है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई ने कहा कि अगले साल दौरे पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड चाहे तो एक टेस्ट मुकाबला खेले या फिर उसकी जगह पर दो टेस्ट मुकाबला खेल सकता है। जो पांचवा टेस्ट मुकाबला इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच रद्द कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था कोविड-19 की वजह से। तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की सबसे तेज सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए अभी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जबकि आप इसका फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो कर सकते हैं।